चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सब्सटेंस मतलब पदार्थ के बारे में चर्चा करने वाले हैं और पदार्थ के जो प्रकार होते हैं उन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि सारी बात आपको इस वीडियो में याद भी हो जाएगी, ठीक है ना। रटने की क्रिया नहीं, सिर्फ समझने की क्रिया हम लोग करेंगे। देखो बुआ, पदार्थ पहले समझो कि पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। पदार्थ को इंग्लिश में हम लोग सब्सटेंस कहते हैं। इसका एक और नाम होता है द्रव्य कहते हैं। द्रव्य, द्रव नहीं, द्रव्य कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मैटर के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो पदार्थ किसे कहेंगे, ठीक है ना। तो पदार्थ देखो किसे कहेंगे बुआ, सिंपली अगर बात कही जाए तो इस दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं वो सब क्या है, पदार्थ है। जैसे ये मार्कर है, ये क्या है, पदार्थ है। जैसे मैं हूं, क्या हूं, पदार्थ है। कुर्सी टेबल है, क्या है, पदार्थ है। ये आपका बोर्ड है, क्या है, पदार्थ है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें सब क्या है, पदार्थ है। जैसे आप मोबाइल लिए, मोबाइल भी क्या, एक पदार्थ है। देखो वो पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें वजन हो, जो स्थान ठीक है। जैसे ही मार्कर है, इसमें बुआ कुछ ना कुछ तो वजन होगा, इसमें कुछ ना कुछ भार भी होगा। तो इसमें मतलब जिसमें वजन हो और जो कुछ स्थान ठीक है। जैसे मान लो ये आपका धरती है, धरती पर इसको रख दिए तो भाई धरती पर रखने पर हई जौन है, कुछ ना कुछ तो स्थान छेक ही रहा। मतलब क्या है, ये कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, स्थान छेक रहा है। तो जो स्थान छेकता है, ठीक है ना, जो अवरोध उत्पन्न करता है, जिसमें द्रव्यमान पाई जाती है, वो सब वस्तुएं क्या कहलाती है, सब्सटेंस मतलब पदार्थ कहलाती है। समझ में आ रही बात है, ठीक है ना। तो पदार्थ का मतलब समझ गए होंगे बुआ, पदार्थ का मतलब किसे कहेंगे, वैसा वस्तु जिसमें द्रव्यमान और क्या हो, जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो। आयतन का मतलब समझते हैं, जो वस्तु जितना स्थान छेक देती है वो उसका आयतन कहलाती है। मतलब जब कोई वस्तु, मान लो ये वस्तु है, अब ये जितना स्थान छेकेगी ना वो क्या कहलाएगी, आपका आयतन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप टेबल पर बैठे हैं तो आप जितना स्थान छेके हैं वो स्थान आपका आयतन कहलाएगा। तो कोई भी वस्तु जितना स्थान छेकती है उसी को हम लोग बोलते हैं आयतन, जिसको इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है ना। तो पदार्थ किसे कहेंगे, जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ता है वो भी क्या करते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। ये है, इसको ऐसे ही ले, इसको उठाएंगे तो भाई बल लगता है, एकदम लगेगा ही लगेगा। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ता है, वैसी सब वस्तुएं क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। हालांकि इस दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं वे सारी वस्तुएं पदार्थ के अंतर्गत आती है, ठीक है। समझ में आ गई, पदार्थ किसे कहेंगे, तो पदार्थ किसे कहेंगे, तो वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान मतलब मास, जिसको बोलते हैं वजन, वजन कह सकते हैं, भार, वेट कहेंगे इसको, ठीक है। तो वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान और आयतन, आयतन में जो जगह छेके, तो जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब देखो पदार्थ का जो डिवाइड है, जो क्लासिफिकेशन है, वो दो आधार पर होता है। पहला होता है भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ भौतिक गुणों के आधार पर प्रकार पड़ेंगे, किसका, पदार्थ का। अगर मान लो आपसे पूछे जाए कि भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, देखी जाए तो मुख्यतः तीन प्रकार के होती है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन बाद में पदार्थ की एक चौथी अवस्था आ गई, प्लेज्मा अवस्था, या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, इसको BEC के भी नाम से जानी जाती है। तो ये पदार्थ की तीन मुख्यतः अवस्थाएं होती है, दो गो अवस्था और खोज लिया गया, ठीक है ना। वो कौन सा, प्लेज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है ना। देखिए तो ये पदार्थ की अवस्थाएं हो गई, तो हम भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ का प्रकार पढ़े। अब भौतिक गुण पर ये सब पदार्थ का प्रकार होता है, रासायनिक गुण के आधार पर हम लोग तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये सारी बातें अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में ठोस, द्रव, गैस, जो भी बेसिकली बातें हैं उन सारी बातों को हम लोग जानेंगे। देखो तो सबसे पहली बात पदार्थ समझ गए। अब पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती है। कितनी, तीन अवस्थाएं होती है बोया, देखिए पांच नहीं होती है, पांच तो मैं लिखा हूं सिर्फ समझाने के लिए। पदार्थ की मुख्य रूप से तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, किसको, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है ना। तो पहली अवस्था, ये दो अवस्थाएं बाद में खोजी गई है। तो जो पहली अवस्था होती है उस ठोस होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉलिड, क्या बोलेंगे, सॉलिड, क्या बोलेंगे, सॉलिड, क्या बोलेंगे, सॉलिड, ठीक है ना। अब देखो बुआ सॉलिड क्या होता है, तो किसी भी वस्तु में दो चीजें बहुत फैक्टर होता है, एक आकार और दूसरा उसका आयतन, ठीक है ना। आयतन मतलब वो कितना स्थान छेकेगा, तो एक आकार मतलब उसका आकार घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो इसमें क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस, इन सब में क्या होता है, आकार और आयतन जो होता है ना बहुत बड़ा फैक्टर होता है। पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को ना गला सूख जा रहा है, ध्यान दीजिए। तो ठोस, इसमें दो चीजें होती है, इन सब चीज में क्या क्या होता है, उन सारी बातों को मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या क्या होता है, आकार, आकार, साइज, और दूसरा वॉल्यूम, जिसको आयतन बोलते हैं, ठीक है ना।
अब देखो बुआ, दो चीजें इन सब में फैक्टर होगा, ठोस द्रव गैस, इन दोनों में क्या क्या आकार और आयतन। तो जिसका आकार आयतन सब निश्चित हो, जिसका दोनों गाना सुना, दुई रुपया हो दुई रुपया, आजकल मार्केट में बड़ा चल रहा है। देखो बुआ, तो ऐसा ऐसा आजकल गाने आ रहा है कि कहा नहीं जा सकता, सुन सुन के दिल खुश खुश हो जा रहा है, समझ जाए ना, सुने ना, दुई रुपया हो दुई रुपया, फलाना रंगाई हो दुई रुपया, अजीब गाना निकल रहा है, सुन के तो कभी कभी हंसी बढ़ता है। देखो तो ठोस जवन है ना, ठोस इसको इंग्लिश में सोलिड कहते हैं, इसमें आकार और आयतन है। जैसे मान लो कि ये मार्कर क्या है, ठोस है। अब कैसे, मान लो इसका, मान लो कि ये इतना स्थान छेकता है, ठीक है ना, और इसका आकार आपका यही है, ठीक है ना, स्थान इतना छेकता है और इसका आकार आपका इस टाइप का है, तो 10 साल के बाद भी निकालेंगे ना तो वो उतना ही स्थान छेकेगा और उसके आकार की लंबाई उतने रहेगी। जैसे कुर्सी है, अब इस कुर्सी को आप क्या करिए, किसी कमरे में जाकर बंद कर दीजिए, क्या करिए, इस कुर्सी को किसी कमरे में आप जाकर बंद कर दीजिए और 10 साल के बाद कुर्सी निकालिए, तो ऐसा तो नहीं होगा कि कुर्सी भाई लमर के बड़का हो जाएगा, ये इतना स्थान छेक रहा था अब इतना स्थान छेकने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसके आकार और आयतन किसी चीज़ में परिवर्तन नहीं होने वाला, इसका मतलब है ये जो ठोस होता है इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, फिक्स होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठोस कहते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल के माध्यम से इस चीज को हम लोग क्लियर करते हैं, ध्यान दीजिएगा बुआ, ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है। क्या होता है ठोस आपका इस टाइप का होता है सब, ये क्या होता है ठोस इस टाइप का आपका ये सब चलता है सब, मतलब क्या होता है यहाँ पर समझिए, तो ये सब का चल रहा है, एक ठोस का आकार चल रहा है, ठीक है ना। मतलब क्या है कि ये जो आपका ठोस है इसमें जो अंतरानुविक बल होता है बड़ा मजबूत होता है, इसके अंदर जो बल होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। जैसे आपका देखिएगा नीमक, नीमक के कण में बल बहुत ज़्यादा, तो उसको अलग कर सकते हैं क्या, नहीं। तो ठोस का जो कण होता है एक दूसरे से पूरा चिपकल रहता है, क्या होता है पूरा चिपकल रहता है। जैसे क्या होता है चिपकू गंध, देखिए जैसे लड़का लड़की का जो प्रेम होता है एकदम चिपकू गंध होता है, हमेशा एकदम उसी की याद में खोल लेगा, सला कब मिली, सर कब मिली, ओकरा से दिल खोल जाता है। लड़का लड़की, लड़का लड़की दोनों ऐसा ही होता है, ये बीमारी ऐसा होता है, एक बार धो लेने के बाद ही छोड़ने वाला है। ये लवेरिया का बीमारी बहुत खतरनाक है, तो होता है बुआ इस सबसे बच कर चलो, ठीक है ना। मान लो कि देखो सारी चीजें अपने ऊपर ही लेकर चलोगे, सारी चीजें अपने ऊपर बिताकर ही सीखोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर कोई इंसान सिखा रहा है, क्योंकि वो तभी सिखाएगा जब उस पर गुजर चुकी होगी, ठीक है ना, तो उससे सीखने का काम करो, तभी जाकर लाइफ जो है ना आपका सक्सेस होगा ना। तो अपने ऊपर सब गुजारिएगा ना तो साला बुढ़ारी आ जाएगा, तब वो कुछ नहीं सीखेगा। ये सब बहुत मतलब जो है चिपकू गंध होता है, इसमें चिपक जाएगा ना एक बार तो छूटने में बड़ा टाइम लगता है, जल्दी छूटबो नहीं करेगा। फेविक्यूक होता है, फेविक्यूक जल्दी एकदम फटा के चिपक जाएगा, नुचाई भी नहीं करेगा, नुचाई भी नहीं करेगा साला। अब इसको नुचने के लिए तलवार का बीच में यूज करना पड़ेगा, और तलवार का यूज करेंगे तो कट ही जाएगा, कटने के बाद तो जानते ही आपको किसी लायक नहीं बचेंगे, बड़ा खतरनाक ये सब बीमारी होता है। हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं, ठोस देखिए, ठोस क्या, ठोस देखो, ठोस के जो आकार और आयतन होते एकदम फिक्स होते हैं, ये ठोस है। अब बताइए कि इसके जो कौन एकदम शॉर्ट शॉर्ट के जुड़ा है, किसका, इसका कण अलग दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इसको इसके कणों को अलग करने के लिए काफी बल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके बाद इनके बीच खाली स्थान तनिको नहीं गया, मतलब इनके बीच रिक्त स्थान देखिए, अंतरानुविक स्थान तो बहुत कम होता, मतलब अंतरानुविक स्थान होता ही नहीं है। जैसे आप देखिए पेड़ पौधा लकड़ी उकड़ी आप काट लीजिएगा, और आप देखिएगा उसका जो कौन होता है पूरा एकदम शॉर्ट शॉर्ट के चिपकल होता है। इसका मतलब है कि उनके बीच खाली स्थान नहीं होगा, यानी अंतरानुविक स्थान नहीं होगा, और साथ में उनके बीच जो अंतरानुविक बल होता है काफी मजबूत होता है। बल जो होता है जिसको हम लोग अंतरानुविक बल कहते हैं, अंतरानुविक बल समझते हैं बुआ, अंतरानुविक बल देखो, अंतरानुविक बल पहले यहाँ पर साइड में आप समझ लीजिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर दो तीन तरह का ये सब कण है, ठीक है ना। तो अंतरानुविक बल क्या होता है, जब दो कण एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं, ये कण इधर और ये कण इधर, ये कण इधर ये कण उधर, जब दो आदमी आपस में झगड़ा करता है तो क्या करता है, दोनों लड़ेगा सब, ओनहू से एनहू से, ये उस पर भिड़ेगा वो इस पर भिड़ेगा, कहेगा आओ आओ वो भी कहेगा, तो वो क्या करता है दोनों एक दूसरे पर बल लगाता है सब। अब कुछ आदमी क्या होता है पकड़ ले जाता है, मान लो कि आप ही दो आदमी झगड़ा कर रहे हैं, आपको कोई पीछे से पकड़ा है और उसको भी पकड़ा हुआ है, अब जब कोई आदमी पकड़ लेता है तो आदमी का भाव बढ़ जाता है, कहेंगे छोड़ना छोड़ छोड़ मार देंगे, छोड़ना छोड़ छोड़ मार देंगे, ऐसे करता है सब। अरे लड़ना तो जाओ ना, लड़ जाओ, देखो बुआ लड़ाई झगड़ा से आदमी को कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा, अपने आप को क्षति पहुंचाता है, ये सबसे दूर रहेंगे ना तो ससुराल जान भी कभी कर ले लेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि ये क्या होता है कि हम लोग अंतरानुविक बल पढ़ रहे थे, दो चीज़ें होती है अंतरानुविक बल और अंतरानुविक स्थान, क्या होती है अंतरानुविक अंतरानुविक, ठीक है ना, अंतरानुविक बल
और दूसरा होता है स्थान, ठीक है ना। तो अंतरानिक बल क्या होता है कि जब दो कण एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है, ये इसके ऊपर ये इसके ऊपर, तो जब दो कण एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है तो उस बल को अंतरानिक बल कहते हैं। और अंतरानिक स्थान का मतलब क्या होता है, जब दो कणों के बीच जो स्थान होता है, मतलब दो कणों के बीच जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहेंगे, अंतरानिक स्थान कहेंगे, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, तो समझ में आ गई बुआ। तो जो ठोस पदार्थ होता है उनके बीच अंतरानिक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कण इनके सते हुए होते हैं और इनके बीच अंतरानिक स्थान बहुत कम होता है। यानी यहाँ पर अगर बात करी जाए तो ठोस का जो आकार होता है एकदम निश्चित होता है, फिक्स होता है, और जो आकृति आयतन भी होता है वो भी क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन इनके बीच जो बल लगता है अंतरानिक बल, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, अंतरान्विक बल, अंतरान्विक बल। तो इनके बीच अंतरान्विक जो बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, अधिक होता है। और जो अंतरान्विक स्थान होता है, ठीक है ना, इसका मतलब समझिएगा कि अंतरान्विक स्थान है। इसका मतलब ये मत समझिए कि मैं यहाँ पर बिंदी साधता हूँ, हम यहाँ बिंदी नहीं साधने आए, ठीक है ना। बिंदी साध कर हमको बवाल नहीं खड़ा करवाना है, ठीक है बुआ, ध्यान दीजिएगा। तो अंतरान्विक जो स्थान है इसमें क्या होता है, बहुत कम होता है, किसमें, ठोस में। तो समझ में आ गई ठोस की सारी बातें, ठीक है ना। ठोस में बहने का कोनो गुण नहीं पाया जाता, ठोस में बहने वहने का कोनो गुण नहीं पाया जाता। मान लो ये अब इसको फेंक देंगे तो क्या बहेगा, ये नहीं बहेगा, क्यों, क्योंकि इसके कण अलग अलग नहीं है, जिसके कण अलग अलग होते हैं वो बहने का काम करता है। ये कहे बहेगा जी, है ये कहे बहेगा, ये बताइए आप। देखिए तो ठोस समझ गया, जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है वो क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है, जिसको इंग्लिश में लोग सॉलिड के नाम से जानते हैं। और साथ में इनके बीच अंतरानिक बल बहुत ज़्यादा होता है और अंतरानिक स्थान बहुत कम होता है, और इनमें बहने वहने का कोई गुण नहीं पाया जाता है। तो ठोस किसे कहेंगे, तो पदार्थ की एक ऐसी अवस्था चाहे वह वस्तु जिसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं, उसे हम लोग ठोस कहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं द्रव की। देखो बुआ, द्रव में क्या होता है कि द्रव का जो कण होता है ना थोड़ा ठोस की अपेक्षा अलग अलग होते हैं। इस टाइप का इनके जो कण होते हैं अलग अलग होते हैं। इसका मतलब है कि इसमें बहने का गुण क्या होता है, पाया जाता है। इनमें बहने का जो गुण है वो सब क्या पाया जाता है, ये द्रव के कण आपका हो गए, ठोस की अपेक्षा थोड़ा हटके रहते हैं। पानी के जो कण हो गए, पानी क्या, एक द्रव है। तेल क्या, एक द्रव है। घी क्या, एक द्रव है। दही क्या, एक द्रव है। ये सब क्या है, तो एक लिक्विड है, ये सब क्या है, एक द्रव है। अब देखो बुआ, इसमें यदि इनके आकार की चर्चा करते हैं, आकार, तो इनका आकार जो होता है ना बदलते रहता है, आकार निश्चित नहीं होता है। क्या होता है, आकार इनका अनिश्चित होता है, लेकिन इनका जो आयतन होता है, जो स्थान छेकने की क्रिया होती है, वो क्या होता है, निश्चित होता है। अब आप कहेंगे सर आप ये क्या कह दिए, अब समझो बुआ लोग ध्यान से, जो द्रव होता है इसका आकार निश्चित नहीं होता। मान लो कि एक लोटा पानी लिए, तो लोटा के आकार का बन गया, और उसी एक लोटा के पानी को आप कठरा में उछील लेंगे तो कठरा का आकार ले लेगा। तो इसका मतलब है कि इसका आकार फिक्स नहीं होता, जिस पात्र में जैसा पात्र में जल को रखेंगे वैसा पात्र वो वैसा रूप वो धारण कर लेता है। इसका मतलब है कि उसका आकार भाई फिक्स नहीं होता, आकार हर पात्र में बदलते रहता है। लेकिन आयतन का मतलब, मान लो कि एक लीटर आपके पास दूध है, चाहे एक लीटर आपके पास पानी है, तो लोटा में भी एक लीटर है, और किसी और पात्र में उछलेंगे तो क्या रहेगा भाई, वो एक लीटर ना रहेगा। स्थान छेकने की क्रिया तो उसका सेम ही रहेगा, क्योंकि एक लीटर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो क्या होता है कि मतलब जैसे एक लोटा आपके पास दूध है, ध्यान दीजिएगा, तो लोटा क्या आकार का हो गया, आप जब उसको क्या करेंगे दूसरे पात्र में डालेंगे तो उसी पात्र का आकार धारण कर लेगा, मतलब रूप धारण कर लेगा। लेकिन जो यहाँ पर आयतन होगा एक लीटर है, तो यहाँ भी एक लीटर रहेगा और उसमें भी क्या रहेगा, एक लीटर होगा। थोड़ा सा एक बात बताओ, मतलब थोड़ा सा इधर कम होता है, थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो हमारे क्या होते हैं ज्यादा भाई जो लोग हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा दूध कम करते हैं, पानी उनी डाल के क्या करते हैं उसको एकदम क्लियर कर देते हैं। एक लीटर यहाँ पर दूध 2 लीटर बना देते हैं। इसमें ज्यादा जो लोग हैं ना थोड़ा सा मतलब है, आगे है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा उन लोगों का है कि ग्वाला से संबंधित सारा कार्य, अधिकतर कार्य जादव जी का ही होता है, ठीक है ना। तो दूध में थोड़ा सा पानी मिलाने की क्रिया वो बहुत ज्यादा होता है, हालांकि ये जो क्रिया होता है बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, समझ में आ रही बुआ। तो कहने का मतलब है कि समझ लेना कि जिसका आकार निश्चित नहीं हो, मतलब अनिश्चित हो, लेकिन उसका आयतन निश्चित हो, वो सब क्या कहलाता है, तो वो सब कहलाता है आपका द्रव, ठीक है ना। इनके बीच जो अंतरान्विक बल होते हैं, ये जो अंतरान्विक बल होते हैं ये ठोस की अपेक्षा कम होता है, और अंतरान्विक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। क्यों, क्योंकि ठोस में अंतरान्विक स्थान कम होता है, लेकिन ठोस की अपेक्षा अंतरान्विक स्थान इसमें अधिक होता है। अंतरान्विक बल इसमें क्या होता है, मतलब ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होता है। अंतरान्विक बल ठोस की अपेक्षा इसमें ज़्यादा
देखो इसमें अंतरणिक बल बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसमें ठोस की अपेक्षा कम पाया जाए, इसमें द्रव है क्योंकि इनके तो कण छोटे होते हैं, इनके कण थोड़ा हटे हटे होते हैं, जिसके कारण से द्रव में अंतरणिक बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, लेकिन अंतरणिक स्थान ठोस की अपेक्षा ज्यादा होता है, स्थान इनके बहुत ज्यादा होता है। यानी ऐसी वस्तु या पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित हो लेकिन आयतन निश्चित हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव कहते हैं। समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं गैस। देखो गैस क्या होता है बुआ, गैस के जो कण होते हैं, जो गैस के कण होते हैं वो मतलब जो बहुत दूर दूर होते हैं, यानी ठोस की द्रव द्रव की अपेक्षा भी बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। किन के, ये आपका गैस का कण मान लीजिए कि यहाँ पर है, गैस में मतलब ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, तो एक गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब क्या, एक गैस का काम करता है बुआ, ध्यान दीजिए। तो गैस के जो कण होते हैं इनका कुछ निश्चित नहीं होता, ना आकार निश्चित होता है और ना इनका आयतन निश्चित होता है, यानी आकार और आयतन कुछ निश्चित नहीं होता, किनका, गैस का, किनका बुआ, गैस का, इसका कुछ निश्चित नहीं होता है, कुछ निश्चित नहीं होता, कुछ फिक्स नहीं होता है। दुनिया में ऐसा बहुत सारा आदमी है जो जिसका कोई रंगे रूप नहीं बुझाता, सर कब पलटेगा, ऐसा सर दुनिया में बहुत सारा आदमी है, अभी कहेगा कुछ करेगा कुछ, अभी कहेगा कुछ करेगा कुछ, ऐसा बहुत सारा लड़कियों है सब, मैं लड़की की बुराई नहीं करूँ, ध्यान दीजिएगा, ऐसे बहुत सारी लड़की हो सब, एक और लड़की है 50 गो लेके पीछे दौड़ाती है, ससुरी कहे नहीं कहाँ कहाँ रखेगी, सब आगे नीचे ऊपर नीचे ऊपर पीछे सब कहाँ कहाँ रखेगी, समझ में नहीं आता, एक गो लड़की 50 गो लेके, अरे एक लड़के के पीछे 50 गो लड़की दौड़ती तब ना, यही ना बात होता, लेकिन ऐसा होता नहीं, एक लड़की 50 लेके सोचनीय बात होता है, कितना आकर्षण सला बढ़ल रहता है, समझ में नहीं आता, ससुरी एक लड़की 50 लेके, ध्यान दीजिए। हम लोग कहाँ पढ़ते वो, हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं, हम लोग यहाँ पढ़ते हैं गैस में, तो गैस समझ में आ रही है ना, गैस, गैस समझ में आ रही है ना बुआ, कि जिसका कुछ निश्चित नहीं हो। अब मान लो कि हवा, आप देखे हैं उसका हवा, उसका आकार देखे हैं क्या, क्या उसका वजन को नाप सकते हैं कि 1 किलो है, 2 किलो है, 5 किलो, कुछ नहीं हो सकता, इसका आकार आयतन कुछ नहीं होता, बस इतनी बातें बोल दीजिएगा। तो यहाँ पर आकार आयतन जिसका कुछ निश्चित नहीं होता है, यानी अनिश्चित होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैस कहते हैं, समझ में आ रही है, गैस कहते हैं। तो ये ठोस, द्रव, गैस। अब आते हैं, देखो पदार्थ की मुख्यतः तीन ही अवस्थाएं होती है, जितनी भी टीचर्स ये तीन ही अवस्थाएं बताते हैं, लेकिन पदार्थ की चौथी अवस्था आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था का क्या नाम है, प्लाज्मा अवस्था, पदार्थ की पांचवी अवस्था का क्या नाम है, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट, इसको शॉर्ट में हम लोग BEC के नाम से जानते हैं। एक बात आप समझिएगा, जब ठोस को गर्म करते हैं द्रव बनता है, जब द्रव को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, गैस बनता है। अब एक बात, जब गैस को आप गर्म करेंगे तो क्या बनेगा बुआ, तो गैस को जब गर्म करते हैं ना तब आपका बनता है प्लाज्मा, ठीक है ना, ये कहीं कहीं देखा जाता है। तो ये तीनों बातें आप समझिए, ठोस, द्रव, गैस, अब प्लाज्मा अवस्था की हम लोग बात करते हैं। एक बात ये देखिए, पदार्थ की मुख्यतः तीन ही अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, ये चौथी अवस्थाएं भी पाई जाती है, प्लाज्मा अवस्था। अब देखो प्लाज्मा अवस्था कहाँ पाई जाती है बुआ, ठीक है ना, इसकी चर्चाएं नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी आपको चर्चाएं कर रहा हूँ। देखिए जब बादल, जब बारिश के मौसम में जब बादल आपस में टकराते हैं तो कौन सा बिजली चमकता है, देखे ना, मतलब फटाक से बिजली क्या होता है, चमकने लगता है। तो उस समय जो गैस उत्पन्न होता है ना वो किस रूप का होता है, वो प्लाज्मा अवस्था होता है। प्लाज्मा अवस्था का मतलब गैस से भी ज़्यादा गर्म होनी चाहिए, गैस से भी। देखो यहाँ पर ठोस को गर्म करते हैं द्रव बनता है, द्रव को गर्म करते हैं गैस बनता है। अब गैस को भाई गर्म करेंगे तो गैस से ज़्यादा गर्म वही होता है जब बादल आपस में टकराते हैं, फटाके टकराते हैं पूरा, मतलब आपस में टकराएंगे इतना ना उनके बीच घर्षण होता है ना कि साफ टूट के एकदम बिखर जाता है। क्या होता है, साफ टूट के क्या होता है, बिखर जाता है, जिसके कारण से बिजली चमकने लगती है, ठीक है ना, बिजली एकदम फटाके चमकेगी और वही एकदम गरजेगा तो हम लोग कहते हैं बाप रे बाप बिजली गिरने वाला है, और बहुत ज़्यादा जोर से मतलब चिल्लाता गरजता है, तब हम लोग कान में क्या करते हैं, अंगूठी डाल लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, कान में अंगूठी डाल लेते हैं कि भाई कानून का जो मतलब अंदर का जो यंत्र है कान में, उसको फटे नहीं, ये क्रिया देखने को आपको मिलता है, समझ मारिए। तो प्लाज्मा अवस्था क्या होता है, जब गैस से भी ज़्यादा गर्म करते हैं तब जाकर प्लाज्मा अवस्था बनता है। जैसे आप ट्यूबलाइट के बीच में देखिएगा, गैस से भी ज़्यादा वो गर्म होता है तो उस अवस्था को हम लोग प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। या जब बादल आपस में टकराते हैं तो उनके बीच टकराने के उपरांत जो बिजली चमकती है वो गैस से भी ज़्यादा गर्म होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। देखो वही जो बिजली गिरती है ना, कोनो मनुष्य पर गिर जाए तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जला के वही जराख कर देगा। देखे ना, बिजली गिरना, आप सुने ना कि बिजली गिर गया तो वो मर गया, तार पर बिजली गिर गया तो तार को पूरा काट दिया। बिजली बहुत खतरनाक होता है बारिश के मौसम में, जहाँ तार उड़ का पेड़ बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर ही सब गिरता है बिजली, तो थोड़ा सा सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना।
तो समझ में आ रही है, प्लाज्मा अवस्था गैस से भी ज्यादा गर्म जो अवस्थाएं होती है उसको प्लाज्मा अवस्था कहाँ पाई जाती है, ट्यूबलाइट में जब बिजली चमकता है उस समय भी ये सब पाई जाती है। अब बोस आइंस्टाइन, देखो हुआ बोस आइंस्टाइन अवस्था ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है, इसकी खास कोई ज्यादा अभी चर्चा नहीं है। इतना याद रखिए पदार्थ की पांचवी अवस्था को लोग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, इसको शॉर्ट में BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गई पदार्थ की पांचवी अवस्था, ठीक है ना। पदार्थ की पहली अवस्था मतलब पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था और पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है ना। आई होप ये सारी बात आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।